उधर महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि एक सीट को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके बीच पेच फंस सकता है। मुंबई में जो नॉर्थ वेस्ट की सीट है वहां से उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है उसने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, इससे कांग्रेस नाराज बताई जा रही है और संजय निरुपम ने तो बकायदा मोर्चा खोल दिया है। ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से जुबानी जंग शुरू हो गई है। जब तक अंतिम फैसला नहीं होता तब तक किसी भी पार्टी को हक नहीं है कि उस डिस्प्यूटेड सीट या जो पेंडिंग सीट है उसके ऊपर अपने उम्मीदवार की घोषणा करें। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा, शिवसेना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा। जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट और कमोबेश हर एक सीट पर गठबंधन के सहयोगी आमने सामने हैं। महाराष्ट्र में सीट वाले सियासी संग्राम में मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट हॉटस्पॉट बन गई है, क्योंकि इस सीट पर एनडीए के भीतर सहयोगियों के बीच ठनी हुई है तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और शिवसेना के बीच दावेदारी वाला दंगल सार्वजनिक मंच पर आ गया है। शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का नाम शिवसेना की तरफ से आ रहा है एमबीए के उम्मीदवार के तौर पर, वो खिचड़ी घोटाले का अभियुक्त है। उस पर आरोप है कि 1,60,00,000 रुपए का रिश्वत उसने चेक से लिया है, ऐसे और इसकी जांच हो रही है ईडी की तरफ से। ऐसे घोटालेबाज के लिए क्या शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जाएगा प्रचार करने के लिए? देखिए, संजय निरुपम जी 2014 में लोकसभा का चुनाव हार गए, 2019 में लोकसभा का चुनाव हार गए। संजय निरुपम जी अभी कांग्रेस पार्टी में किसी भी बड़े पद पर नहीं है, शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन की बैठकों में या महाविकास अघाड़ी की बैठकों में संजय निरुपम जी को कांग्रेस पार्टी नहीं बुलाती है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा, शिवसेना पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन कहां से लड़ेगा। दरअसल मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाया है। इस पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम का पारा चढ़ गया। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्धव की शिवसेना पर जमकर बरसे। दरअसल मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से संजय निरुपम चुनाव लड़ते आए हैं, हालांकि साल 2014 और 19 के चुनाव में उनकी हार हुई थी। संजय निरुपम उत्तर पश्चिम सीट से इस बार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पहले ही अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान करके उनका रास्ता रोक दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच शुरू हुई जुबानी जंग की एक और वजह है, कई चरणों की बैठक के बाद भी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर कौन कहां से लड़ेगा अब तक तय नहीं है। इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू कर दिया है। विपक्षी एकता की दुहाई दे रही कांग्रेस की बेचैनी अब बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत एक साथ हैं, लेकिन राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 8 सीटों पर तीनों पार्टियों की सहमति नहीं बन पा रही है। इनमें से 6 सीटें मुंबई की हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इनमें से 4 लोकसभा सीटें मुंबई की हैं। मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई सेंट्रल पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दावा है। अब पेच यह है कि कांग्रेस मुंबई में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 4 सीट देने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस मुंबई में 3 सीट अपने पास रखना चाहती है और अब सीट शेयरिंग का मामला यहीं उलझ गया है। पिछले कुछ दिनों में महाविकास अघाड़ी की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसी फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाई। यहाँ एक पेज प्रकाश आम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी और राजू शेट्टी की स्वाभिमान शेतकारी पक्ष का भी है, जिन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी साथ जोड़ना चाहती है, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात न बन पाने से अब इन दोनों दलों का पारा भी चढ़ने लगा है। हम लोगों की वजह वो रुकी नहीं है,
वो रुकी इसलिए है क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनमें 10 सीटें हैं जहां पे तालमेल नहीं है, एक दूसरे मांग रहे हैं। 15 सीटें ऐसी है कि जहां पर पांच सीटें ऐसी है कि जहां पर एनसीपी शरद पवार भी मांग रहा है, कांग्रेस भी मांग रही है और उद्धव ठाकरे शिवसेना भी मांग रहा है। तो ये कुल मिला के 15 सीटें हैं 48 में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है। और ये तालमेल ना होने की वजह से मेरे ख्याल से इनकी बातचीत आगे नहीं चल रही है। अब देखिए कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है, जिस पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। शिवसेना उद्धव को 23 सीटें मिलेंगी। फॉर्मूले के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने कोटे से प्रकाश आम्बेडकर की पार्टी VBA को सीट देगी, लेकिन कितनी सीट देगी अभी तय नहीं है। वहीं कांग्रेस को 15 लोकसभा सीटें मिलेंगी, जबकि शरद पवार की NCP को 10 लोकसभा सीटें मिलेंगी। यहां भी एक पेच है, शरद पवार की पार्टी को एक सीट राजू शेट्टी की स्वाभिमान शेतकारी पक्ष को देना होगा। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना चाहती है कि VBA को कितनी सीट मिलेगी, ये गठबंधन के सीट बंटवारे के वक्त ही तय होना चाहिए। शरद पवार की NCP का भी पक्ष यही है, तो वहीं कांग्रेस अपने लिए 18 लोकसभा सीट चाहती है। ऐसे में महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की राह हर बदलते दिन के साथ कठिन होती जा रही है। ये बात और है कि अभी भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को यकीन है कि सीट शेयरिंग का मसला जल्द सुलझ जाएगा। शिवसेना नेता संजय राउत तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का डर इतना है ये लोगों के मन में, ये बौखला गए हैं। 48 सीटें हैं, महाविकास आघाड़ी 40+ की तैयारी में है। हमारा कोई वो अमित शाह जी आए थे मिशन 45, वो तो कमीशन 45 है, हाँ वो कमीशन वाले मिशन, हमारा मिशन है हर सीट पर जीतेंगे और लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मुंबई के जिस सीट पर इंडिया गठबंधन में जुबानी जंग छिड़ गई है, उसी सीट को लेकर NDA में भी खींचतान बनी हुई है। महाराष्ट्र में NDA की सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं का दावा है कि 2019 में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट शिवसेना ने जीती थी, लिहाजा इस चुनाव में भी ये सीट उसी के खाते में होनी चाहिए। थोड़े दिवस थांबाव, महायुतीच्या संदर्भातली घोषणा लवकरच वरिष्ठ नेते करतील, त्यामुळे ह्या ज्या अफवा आहेत अफवांवर विश्वास ठेवू नये। NDA में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने BJP को 32, शिवसेना को 12 और NCP को 4 सीटें मिलने वाले फॉर्मूले को खारिज कर दिया है। यानी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के मोर्चे पर अभी कुछ भी तय नहीं है। NDA हो या इंडिया, हर जगह मामला उलझा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।